स्वागत है दोस्तों आपका आर्यन कुशवाहा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन कीटनाशक फंगिसाइड आपको बनाने का तरीका बताएंगे और आपको बताएंगे वो कीटनाशक आपको वायरस के ऊपर भी काम करेगा। आपको बताएंगे जिसे बहुत ऐसे अलग अलग मार्केट में आपको फंगस के लिए अलग आते हैं, पेस्टिसाइड के लिए अलग आते हैं और उसके बाद वायरस के लिए अलग आते हैं। आपको हम बताएँ कि थ्रिप्स के लिए हर तरह तरह के अलग दवाएँ आती है, लेकिन आपको बताऊँ कि आप एक मल्टीपर्पज में कीटनाशक आपको बना के दिखाऊँगा और आपको बताएँ कि वो हर तरीके पर काम करेगा। जैसे बताओ जैसे एफिड हो गया, जैसिड हो गया, माऊ हो गया, लिफ माइनर हो गया, उसके बाद जो ब्लैक स्पॉट रोग होता है उस पर, उसके बाद जो लिफ कर्ल वायरस हो गया, इन सब चीज़ों पे वो काम करेगा, मकड़ी पे काम करेगा, बहुत ही बढ़िया इन सब चीज़ों पे काम करेगा, थ्रिप्स के ऊपर काम करेगा, माइट के ऊपर काम करेगा। आप एक बार इस्तेमाल करिए, इस्तेमाल करने में रिस्पॉन्स देखिए। चलिए दोस्तों आप बताते हैं कैसे इसको बनाते हैं। सबसे पहले देखिए लेना है एलोवेरा और एलोवेरा को लेने के बाद इसको कट कर देना है। दोस्तों आप जानते हैं कि जो एलोवेरा आप अपने गार्डन में लगाते हैं ये बहुत ही बढ़िया फंगिसाइड के ऊपर काम करता है, पेस्टिसाइड के ऊपर काम करता है, वायरस के ऊपर काम करता है, मिट्टी के ऊपर काम करता है, बहुत ही बेहतरीन ये एलोवेरा का जो पत्ती होता है काम करता है। दोस्तों इस पे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। देखिए मैंने एक पत्ती को काट लिया, अब इसमें दूसरा लेना है प्याज लेना है। दूसरा प्याज आप प्याज को ये छील सकते हैं या नहीं छील सकते हैं कोई दिक्कत ना, बस अभी इसको करना ये है कि इसको चार भाग आप इसको कर लीजिए और मीडियम साइज के एक प्याज के लिए इसके लिए ये काफ़ी है। इसके बाद उसमें तीसरा आइटम लेना है मिर्च लेना है, देख रहे हैं इसमें तीन मिर्च ले लीजिए काफ़ी है, इसको दो भागों में कर लीजिए। उसके बाद इसमें जो चौथा लेना है लहसुन, लहसुन भी एक मीडियम साइज की कली को आप ले सकते हैं और इसको आप इस तरीके से फोड़ लीजिए या तो फिर इसको कट कर लीजिए। अब दोस्तों इसमें एक और बहुत बेहतरीन चीज़ लेनी है, वह है नीम की पत्ती। अब देख रहे हैं नीम की पत्ती को इसको निकाल लेते हैं और नीम की पत्ती कितनी लेनी है आपको हम बताएँ कि इस डोज में ये आप देख रहे हैं इसके एक बॉल के हिसाब से आप इसमें भर लीजिए नीम की पत्ती। तब इसको सभी को निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों इतना नीम की पत्ती इसके लिए ये काफ़ी है। अब इन पांचों चीज़ को करना क्या है, एक मिक्सर का जार लेना है और मिक्सर के जार में ये डाल देना है। अब इसके बाद इसको भी आप इसमें डाल दीजिए और इसमें आपको थोड़ी सी डालना है पानी, मतलब इसमें कम से कम एक गिलास पानी तो आप डाल दीजिए। और इतना पानी डालने के बाद इसको बंद कर दीजिए और बंद करने के बाद इसको आप पीस लीजिए। इसको हमने पीस लिया, अब इसको आपको छान लेना है अच्छी तरीके से या किसी कपड़े में छान, कपड़े से छान लें या फिर छन्नी आपके पास हो। देखिए हम कपड़े से छान लेते हैं, एक बार में नहीं होता, इसको दो बार में हम इसको छान लीजिए अच्छी तरीके से। इसको हम अलग रख देते हैं। जो बचा हुआ उसको भी छान लेते हैं। अब आपको हम बताएं कि इसको अब इस्तेमाल आपको करना है, एक लीटर पानी में 100 ml इसको इस्तेमाल करना है, लेकिन इसमें एक चीज़ और आपको मिलाना है, जो आपको मिलाना है हल्दी। तो सबसे बड़ी बात है कि इसको आप स्टोर कर सकते हैं, अगर आपको एक हफ्ता, 10 दिन, एक महीना तक स्टोर करना है तो इसको आप स्टोर कर रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। किसी भी आप प्लास्टिक के बर्तन या शीशे की जार में रख दीजिए, बहुत बढ़िया काम करेगा। उसके बाद आपको हम बता दें कि जितना आपको इस्तेमाल करना है उतना ही इसको हल्दी मिलाएं, क्योंकि पूरे में हल्दी आप इसको ना मिलाएं। जैसे अगर आपको एक लीटर पानी में इस्तेमाल करना है तो देखिए लगभग ये पानी एक लीटर से कम ही है, इसमें हम 100 ml डाल लेते हैं। अब इसमें अलग से आप हल्दी को मिक्स कर सकते हैं। हल्दी को एक लीटर पानी में आपको मिक्स कितना करना है, एक लीटर पानी में आपको 5 से 6 ग्राम हल्दी को मिक्स करना है। अगर आपको ये पूरा ही आपको इस्तेमाल करना है तो आप मिक्सर के जार में ही इसमें आप डाल के, जिसे आप इसमें डाल सकते हैं कम से कम 20 से 25 ग्राम,
25 ग्राम हल्दी डाल के मिक्सर जार में इसको आप उस समय पी सकते हैं, लेकिन आपको इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं, तुरंत इसको इस्तेमाल करना है तभी आप इसमें आप डालिए। देखिए इसको हम डाल ले रहे हैं और डालने के बाद ढक्कन लगा के इसको हम स्प्रे कर देते हैं। आपको पता है कि जो एफिड है, थ्रिप्स है, माऊ है, वाइट फ्लाई है, सब पे ये बहुत बढ़िया काम करेगा। इसको थोड़ा सा आप हल्दी को मिलाया नहीं होगा तो इस तरह हिला के आप इसको मिला दीजिए। और आप लिप कर्ल से बहुत परेशान होंगे, क्योंकि लिप कर्ल वाले से ऐसा है मिर्च में जो लगता है उससे बहुत लोग परेशान रहते हैं। एक बार अगर आपके पौधे में लग जाता है तो लगने के बाद उसकी पत्तियाँ बिल्कुल कभी ठीक नहीं होती है। इस कीटनाशक को आप इस्तेमाल करिए, आपका लिप कर्ल की जो पत्तियाँ हैं बिल्कुल ओपन हो जाएगी। अगर वो पत्तियाँ ओपन नहीं होगी तो उसके बगल से आपके नई ब्रांचेज आना वहाँ से शुरू हो जाएगी। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं इसको स्प्रे करके। देखिए बैंगन के आप पौधे पे भी इसको छिड़काव कर सकते हैं और बढ़िया छिड़काव करिए। कभी कभी होता है क्या है कि बैंगन जो पत्तियाँ होती है, पत्तियों के नीचे आप जैसे देखिए छोटे छोटे लगते हैं कीड़े, इसको भी इस पर छिड़काव कर दीजिए, बहुत ही बढ़िया इसका रिस्पांस आपको मिलेगा। ये कद्दू का प्लांट है, इस पर भी आप इसको छिड़काव कर सकते हैं, रिस्पांस इस पर भी आपको बहुत बढ़िया मिलता है। देखिए जो मिर्चे के पौधे पे ये लीफ कर्ल वायरस है, इस पर बहुत बढ़िया रिस्पांस मिलेगा। आप अच्छी तरीके से इसको छिड़काव कर दीजिए और 4 से 5 दिन बाद देखेंगे इसकी नई शाखाएँ यहाँ से, जो ये इसकी नई शाखाएँ यहाँ से आना शुरू हो जाएगी। जो पत्तियाँ बिल्कुल अच्छी तरीके से फोल्ड हो गई हैं वो तो नहीं खुलेगी, लेकिन न्यू यहाँ से लीफ आने यहाँ से शुरू हो जाएगी। ऐसा आपको तो है मल्टीपर्पज़ कीटनाशक फंगिसाइड वायरस के लिए आपको होममेड ये बहुत ही बढ़िया आप बना सकते हैं अपने घरों पे और इसका रिस्पांस आप ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि जो भी चीज़ें मैंने इसमें इस्तेमाल किया हुआ ये आपके गार्डन में मिल सकता है और आपके किचन में मिल सकता है। ये आपको बहुत मार्केट से खरीदने की आवश्यकता नहीं है, बहुत पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं। एक बार आप मेरे कहने से बनाइए, बनाने के बाद इसका रिस्पांस आप देखिए, क्योंकि इसका रिस्पांस बहुत ही बेहतरीन है। इसके पहले मैंने आपको एक एलोवेरा का फंगिसाइड और कीटनाशक बनाने तरीका मैंने बताया था, वो बहुत लोगों ने उसको सराहा, बहुत लोगों ने जब उसको इस्तेमाल किया तो उसका रिस्पांस बहुत ही बढ़िया मिला। अगर आप नहीं देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, जाके वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही लोगों का बहुत अच्छा उस पर प्यार मिला और आपको बता दें कि इसका भी रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन है। आप बनाइए, बनाने के बाद इस्तेमाल करिए। बहुत लोग ऐसे हैं जो लोग कमेंट करते हैं सर हम ज़्यादा मात्रा में इसको इस्तेमाल करेंगे तो हमारी फसल ख़राब हो जाएगी। आपको होता है कि अगर आप गार्डनिंग पे इस्तेमाल करें, आपके पास 5 पौधे हैं तब एक पौधे पे बना के इस्तेमाल करिए। उसके बाद जब आपको लगेगा कि उस पौधे पे रिस्पांस बढ़िया मिला है तो बाकी 4 और पौधे पे इस्तेमाल आप कर लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया है इसका रिस्पांस, छिड़काव में आप इसका करते रहिए, हर 15 दिन पे एक बार इसका छिड़काव करिए, रिस्पांस आपको बहुत बढ़िया है। एक काम और आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे आप 1 लीटर में 100 ml ऐड कर रहे हैं लिक्विड को, उसमें आप उस 1 लीटर में आप अगर आपके पास स्टीकर होगा या लिक्विड सॉप होगा, लिक्विड सॉप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं, या रीठा का घोल आपके पास होगा उसको इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 5 ml या 4 ml 3 ml जो भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं आप इसमें इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि बरसात के समय में उसको इस्तेमाल करके इसमें जब छिड़काव करते हैं तो उसका रिस्पांस आपको बहुत ही बढ़िया मिलता है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों एक बात आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें लेकिन इस वीडियो को फैला दीजिए, क्योंकि जब तक आप लोगों के पास ये वीडियो जाएगा नहीं तब तक उनको पता नहीं चलेगा। क्योंकि एक चीज़ है जो मल्टीपर्पज़ पे ये काम करती है बहुत ही बढ़िया रिस्पांस है, आप ज़रूर इसको वीडियो को फैलाइए और फैलाने के बाद दोस्तों आप लाइक वीडियो को जरूर कर दें, क्योंकि वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं करते हैं। दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों मिलते हैं आपसे नई वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, धन्यवाद।